What is up people, आप देख रहे हैं मेरा चैनल फूडी विशाल। अगर आप मुझे नहीं जानते तो मेरा नाम है विशाल, और अगर आप मुझे जानते हैं तो शुक्रिया मेरे वीडियो पे दोबारा आने के लिए। आज हम जा रहे हैं एनआईटी की तरफ, एक दो नंबर वाली रोड की तरफ, जहाँ पे न्यूट्री कुल्चा मिलता है सेकंड वाइफ के नाम से। तो वहीं हम जा रहे हैं और देखते हैं न्यूट्री कुल्चा है कैसा। तो चलो लेट्स गो। नमस्कार भैया, क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया। तो ये अपना न्यूट्री कुल्चा का जो ये जो अपना सेटअप है, कितना पुराना है यहाँ पे? साढ़े चार साल हो गए यहाँ पे। और टाइमिंग क्या है भैया आपके? 4 बजे आ जाते हो, 11 बजे तक, मतलब शाम का है। और प्राइस क्या है पर प्लेट? पर प्लेट 70 रुपीज़। 70 रुपीज़। तो आप यहीं के हैं या अमृतसर से ही हैं? अच्छा, वहीं से सब पूरा सीखा हुआ अमृतसर का इस मामला है। चलो बहुत बढ़िया। तो आज हम न्यूट्री कुल्चा खा के देखेंगे, अमृतसरी न्यूट्री कुल्चा। और 60 रुपए प्लेट बताइए, कितनी? 70 रुपए। अच्छा, 70 रुपीज की प्लेट है। तो एक बार खा के देखते हैं है कैसी। और ये अपनी न्यूट्री की सब्जी है। तो ये सब्जी में मतलब ये क्या क्या डलता है इसमें, कुछ बताएंगे थोड़ा इसके बारे में? प्याज टमाटर और सोयाबीन। और शिमला मिर्च वगैरह भी दिख रही है इसमें। फ्राई करते समय डालते हैं। अच्छा, तो साथ के साथ डालते हो? बटर में फ्राई होती है शिमला मिर्च। अच्छा, तो इसमें लाल मिर्ची वगैरह भी होती है? लाल मिर्च दिख नहीं रही क्योंकि मुझे। अच्छा, उसका प्रयोग नहीं होता इसमें। और थोड़ा बहुत पालक वगैरह डलता होगा? पालक नहीं डलता। अच्छा अच्छा, चलो तो एक बार खा के देखते हैं कैसा है। तो ये लग गई प्याज। ये चटनी जो है ये किसकी है? सिरका प्याज और इमली। और ये पानी वाली जो है ये सिरका प्याज है। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। ये अपनी न्यूट्री की सब्जी गर्म हो रही है। टेस्ट में थोड़ा मतलब वेज में नॉन वेज का टेस्ट आता है एकदम, है ना? अरे बाप रे। और जो अपना बटर कौन सा यूज करते हो? है कौन सा? अच्छा, डिलीशियस। ओके, ये अमूल की क्रीम डल गई। और बटर जो है भैया के पास डिलीशियस का है। ये डल गया मक्खन। ये कुल्चा मसाला वाला है? ये प्लेन है। चलो यही दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये कुल्चे अपने सेक गए बटर में। रेड कलर, ब्राउन कलर का कुल्चा हो गया एकदम। ये देखो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। हमारी प्लेट हो गई है रेडी, और ये सारी चीजें इसमें आई हुई हैं। ये हमारी प्लेट आ गई, और ये न्यूट्री की सब्जी है जो देखने में एकदम मतलब नॉनवेज जैसा टेस्ट दिख रही है, जैसे मटन टाइप कुछ कोई डिश होती है, चिकन मटन टाइप।
एक बार इसको टेस्ट करते हैं। बहुत ही जबरदस्त टेस्ट, बड़ा गजब है इसका। एकदम ऐसा लग रहा है कुछ नॉनवेज खा रहे हैं, क्योंकि जो चिली टेक्सचर होता है सोयाबीन का वो बहुत अच्छा आ रहा है ग्रेवी के साथ। ये सिरके वाला प्याज बड़ा चटपटा सा है। एक कुलचे के साथ बाइट ले लेते हैं, ये रखते हैं। ये लेते हैं पहली बाइट। बहुत ही जबरदस्त कुलचा, एकदम सॉफ्ट है और एकदम फ्रेश है। एक छोटा पाउच, एक बड़ा पाउच कुलचा देखो, एकदम फ्रेश कुलचा है और बहुत ही सॉफ्ट है, मजा आ गया। तो कुलचा हमने खा लिया है, देखो सबसे पॉइंट्स मैं बताता हूँ, कुलचा टेस्टी था नो डाउट, अमृतसरी कुलचा जो था टेस्टी था और खाने में मज़ा आया। लेकिन जो प्राइस जो था 70 रुपये, मेरे ख्याल से 50 मैक्सिमम 60 के आसपास प्राइस होना चाहिए था। 70 मुझे थोड़ा ज़्यादा लगा, क्योंकि अमूल बटर भी यूज़ नहीं कर रहे हैं, डिलीशियस का बटर यूज़ कर रहे हैं, तो 50 रुपये आई थिंक इनफ था इसके लिए। खैर टेस्टी था, अगर आपको खाना हो तो यहाँ पे एक बार जरूर आएँ और ट्राई करें। और इसके साथ वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब का बटन दबा देना और इसी तरह चैनल पर बने रहिए। शुक्रिया।